ओके अनुपम जी, हेलो सर। सर मेरा नाम किशन है सर, और मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से आपने प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाया है, तो आपको क्या लगता है जो प्राइम मिनिस्टर्स रहते हैं उनको किस विषय में फोकस करना चाहिए? जॉब्स, डेवलपमेंट, एजुकेशन, वेमेन सेफ्टी, या गाय, मॉब लिंचिंग, मंदिर मस्जिद, किस में उन्हें? मुझसे पूछिए 9 रस में कौन सी भंगिमाएं मुझे दिखानी चाहिए, मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे क्या पता भैया, हास्य अकॉर्डिंग टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको किस में प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा फोकस करना चाहिए? बट रिलैक्स बेटा, तेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरी 50वीं है, ठीक है? डर मत, पूछने दो ना, अपना अपना तरीका। वो अपना एंगल ढूंढ रहे हैं कि उनको कोई डिफरेंट खबर क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ नया लेकर आऊं कि फिर बोले अनुपम खेर ने दिया करारा जवाब। सर यूट्यूब कैप्शन, मेरे पास बेटा कोई करारा जवाब नहीं है। जो जो अपनी अपनी कुर्सी पर हैं उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। मेरे में एक बड़ा अच्छा शेर है कि रिंदे खराब हाल को जाहिद ना छेड़कू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। आदमी सीखता है ना धीरे धीरे, जब आदमी बहुत बोलता है फिर तब बोलता है कि चुप रहो यार, जो चल रहा है चलने दो, अपना काम करो, एक्टिंग करो बाहर जाके विदेश में। मजा आएगा, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। मैं विजय के बारे में बोलना चाह रहा था, ये ट्रेलर चल रहा था और ये मैसेज कर रहा था कुछ, तो आई गॉट वेरी इरिटेटेड। आई सेड मैसेज किसको कर रहे हो इस समय, ट्रेलर चल रहा है? कहते नहीं, वो वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा करवा रहा हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ पीछे। मैंने कहा अब हमारे हाथ से फिल्म निकल चुकी है, इसका भविष्य जो है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग दैट पोलिटिकल फिल्म आर बींग मेड, बायोपिक्स आर बींग मेड, एक्टर्स आर गेटिंग लॉट ऑफ चांसेस। वरना जैसा इन्होंने कहा कि ये अब एक्टर का जमाना है। ट्रेलर बड़ा अच्छा बनाया आपने, फिल्म अच्छी बनाई है। इस फिल्म से आपके टू वट एक्सटेंट आपकी एक्सपेक्टेशन हैं? सेकेंडली, अनुपम खेर से साहब का रिएक्शन क्या था जब इनको आपने पहली बार कन्विंस किया रोल के लिए, क्योंकि बीजेपी के खास? इसका आंसर मुझे लगता है विजय जी को देना चाहिए। व्हाट सॉरी आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। एक्सपेक्टेशन मतलब कितना माल बनाएगी? नहीं, हमने तो बना लिया, डोंट वरी। हम बिफोर रिलीज हमारे पैसे बना लेते। दो लोग, एक मयंक ये बैठे हैं, इसके राइटर ये, हालांकि इनको मंच पर बैठने का बोला नहीं गया है, मगर इनका बहुत बड़ा हाथ है इस फिल्म को। मयंक एक बार खड़े होकर अपनी शक्ल दिखाओ प्लीज। इन्होंने कमाल का काम किया, कमाल का नाम लिखा है। हमारे को प्रोड्यूसर अशोक पंडित जी हैं, इन्होंने कमाल का, आप कहेंगे ये भी झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, मगर ये एक्सपेक्टेशन है जी, हमें लगता है बहुत बड़ी हिट होगी ये फिल्म। Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.